नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चांदनगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा बिहारी में स्वयं की भूमि के लिए जमकर मारपीट और अपनी दबंगई से बना रहे थे पर्सनल टॉयलेट। जब जमीनी मालिक ने मना किया तो उनकी फैमिली को डंडों से मारा। सभी परिवार वाले घायल हैं। थाने पहुंचकर थाना चांद के पुलिसकर्मियों को घटना से अवगत कराया। पीड़ित परिवार को पुलिसकर्मियों एवं चांद थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम जी ने इंसानियत का सबूत देते हुए परिवार को चौराई तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में जाने को कहा। जब इस घटना की जानकारी मीडिया कर्मी को मिली तो अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली तो गंभीर अवस्था में शकूर मंसूरी की फैमिली हॉस्पिटल बेड पर डॉक्टर के द्वारा उपचार किया जा रहा था। चौराई पुलिस शशि विश्वकर्मा के आदेश से जांच के दौरान हॉस्पिटल में उपस्थित रही और घायल अवस्था में शकूर मंसूरी की फैमिली से बयान लिया गया। तहसील चौराई के सरकारी हॉस्पिटल से शकूर मंसूरी की फैमिली को जिला हॉस्पिटल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। ये विवाद पहले भी हुआ था। चांद पुलिस द्वारा असलम इकबाल एवं विरोधी फैमिली को भी किया गया था, लेकिन अपनी दबंगई से टॉयलेट बनाना बंद नहीं किया गया था। घायल अवस्था पर अयूब मंसूरी, कदीर मंसूरी, शकूर मंसूरी, इमरान मंसूरी एवं अरमान और सभी फैमिली मेंबर को गंभीर अवस्था में छोड़ दिया गया था। पीड़ित परिवार शासन से निष्पक्ष जांच व दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पत्रकार ललित रघुवंशी एवं कासिम मंसूरी, जिला ब्यूरो चीफ साहिल खान भी उपस्थित रहे। मानने वाले के नाम इकबाल मंसूरी, मकबूल मंसूरी, शमीम मंसूरी, असलम मंसूरी, साकिल मंसूरी। इस विषय के संपूर्ण जानकारी के विषय में जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम जी से निष्पक्ष जांच, दोषियों को कठोर सजा और पीड़ित को जल्द न्याय मिले इस बारे में पूछा तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे घर के अंदर आकर लोगों ने मारे हैं, मेरे आदमी को, मेरे ससुर को, मेरे जेठ को, मेरे जेठ के बच्चों को घर पे घुस के मारे, छोटे छोटे बच्चों को भी मारे हैं और सब लोगों के हाथ पे सिर्फ तलवार चाकू थे। मतलब सारी फैमिली को उन लोगों ने मारे हैं? सारी फैमिली को उन लोगों ने, सब ने मिल के मारे और एक नहीं कम से कम 15-16 लोगों। कौन हो आप, इनकी कौन हो और ये कौन है? ये मेरे आदमी। और आप इनकी वाइफ हो? जी। अच्छा, मतलब पूरी बताओ थोड़ी सी जानकारी, पूरा क्या क्या हुआ वहाँ पे आपसे? शमीम, सगील, मकबूल, असलम, इन लोगों ने सबने मारे की तुमको? इन लोगों ने सबने मारे। अच्छा, और कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई चांद थाने में ना? नहीं हुई सर। हारून भी थे, हारून रिजवान भी थे। सर, चांद नगर के अंतर्गत जो खापा बिहारी ग्राम है उसमें कुछ खूनी संघर्ष की घटना सामने आई जिसमें चार लोग गंभीर अवस्था में घायल हुए। उसमें एक शिकायतकर्ता चांद थाने आया था, तो क्या मामला पंजीबद्ध हुआ उनकी शिकायत? दिनांक 31/3/22 को शाम को 6-7 बजे की घटना है। जी सर। आवेदक शकूर मंसूरी थाने आया था जी, और इसको सिर में चोट थी जी। उसकी रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया हमने 2/3/23/24/6 का मामला पंजीबद्ध किया है जी। और बाद में इन्वेस्टिगेशन भी ये सामने आया है कि उसके साथ ही 2-3 लोग और घायल थे, तो उनको चौरी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया था, वहाँ पे इलाज करवाया जी। सर, क्या सर मामले की निष्पक्षता से जांच चल रही है? क्या उन पे दोषियों पे कार्रवाई होगी या उन पे कोई गंभीर धाराएं भी लगाई गई है? बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो एकदम फेयर और निष्पक्ष होगा। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज, जिला छिंदवाड़ा। मैं खड़ा हूँ अभी चांद थाने। यहाँ पे एक मामला आया है जो कि दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपसी खूनी रंजिश हो, जिसमें एक दूसरे की हाथापाई हुई, जिसमें अभी सूचना के अंतर्गत जैसे मुझे प्राप्त हुआ उसमें चार लोग गंभीर अवस्था में घायल हुए। जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मामले की जाँच चल रही है और उन्हें चौरी रेफर किया गया था हॉस्पिटल। वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाया तो उन्हें छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। अब हमारा यही निवेदन है कि मीडिया को मद्देनजर रखते हुए और उनके पक्ष को मद्देनजर रखते हुए उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले। ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज, जल छिंदवाड़ा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।